हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये जो हमारी क्लास है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जिनको अपना स्टेट यूनिवर्सिटी या यूपी कैटेट जैसे एग्जाम हो देना चाह रहे हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। सो दिस क्लास इज़ फॉर एंटमोलॉजी। ये क्लास में हम एंटमोलॉजी पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ एंटमोलॉजी कंप्लीट की थी, कुछ बेसिक टर्म्स, उनके मीनिंग क्या होते हैं। और आज के क्लास में हम देखेंगे इंसेक्ट क्लासिफिकेशन। व्हाट इज बेसिक इंसेक्ट क्लासिफिकेशन, जितना आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून दामिनी, अभिषेक, अजय, आप सभी लोगों का सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, अगर अड्डा 24/7 की ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो इस ऐप को आप जो है डाउनलोड कीजिए। अपने प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए ADDA247। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आप एग्रीकल्चर सेक्शन को चूज कर सकते हैं। जैसे ही आपने एग्रीकल्चर सेक्शन को चूज किया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, सब्जेक्ट वाइज क्विज आपको इसमें रोज मिलेगी, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भावना, रजत, लाल बहादुर, कैटरीना कैफ, शुभम, विवेक एंड हरीश, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। चलिए तो शुरू करते हैं इंसेक्ट क्लासिफिकेशन से। लेकिन उससे पहले एग्रीकल्चर महापैक आ गया है तो इसको बता देते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक अ सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन जैसा है, जैसे आप नेटफ्लिक्स अमेजन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, पूरे साल आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, है ना। तो उसी तरीके से इसमें होता है, अगर आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करते हैं तो अड्डा 24/7, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 जो भी आपकी बैचेस लेकर आ रहा है, जिन भी सब एग्जाम्स को कवर कर रहा है, उन सबकी लाइव क्लासेस आपको मिलती है। जैसे अभी इसमें IBPS, AFO फाउंडेशन, नबार्ड फाउंडेशन, MSC फाउंडेशन, ICAR JRF, प्लांट साइंस जैसे बहुत सारे अलग अलग बैचेस इंक्लूडेड हैं। इन सभी बैचेस की लाइव क्लास भी मिलती है, टेस्ट सीरीज भी मिलती है और ई बुक्स भी मिलती है। पूरे दो साल की जो इसमें फीस होती है वो फीस है आपकी 6,399 फॉर टू ईयर्स, क्योंकि आपकी डबल वैलिडिटी एंड 80% ऑफ इज स्टिल लाइव। तो आपको डबल वैलिडिटी और 80% ऑफ पाने के लिए इस कोड का इस्तेमाल करना है Y448A। तो इसका जब इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट दिस 80% ऑफ एंड डबल वैलिडिटी। चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई, हमने हर चीज को एक अरेंज्ड वे में रखने की कोशिश करते हैं, है ना जी। विशु नमस्ते, फिर विशु नाराज हो जाएगी नहीं तो, है ना। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आकाश, पुष्पेंद्र जी, आकाश त्रिवेदी, आकाश चौधरी, हमारे पास बहुत सारे आकाश आ जाते हैं, है ना। चलिए तो अब बात करते हैं आज के क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन होता है जब हम चीजों को एक अरेंजमेंट में रखने की कोशिश करते हैं, ना। इस धरती पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, हमें कोई आइडेंटिफाई करना है, हमें कोई दिख गया जीव जंतु कि भाई ये जीव जंतु कौन सा है, इसका नाम कौन सा है, तो हम कहाँ आइडेंटिफाई करने जाएंगे। तो हमारे पास एक पूरी क्लासिफिकेशन है, एक पूरा अरेंजमेंट है, है ना। सबसे पहले तो भाई वो प्लांट है, वो एनिमल है, प्लांट किंगडम से है, एनिमल किंगडम से है, या फिर एक बैक्टीरिया, फंगस या वायरस है। अब वो प्लांट किंगडम से है तो उसके अंदर कौन से क्लास, कौन से फाइलम, इस तरीके की चीजें हम सारी एक एक चीजों को स्टेप को पार करते हुए उस इंसेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें इस क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि एक तो हम चीजों को बेटर अरेंज रख सकते हैं, सारे जीव जंतुओं की जितने भी हमें मिलते रहते हैं, डिस्कवर होते रहते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। सेकेंडली पूरे दुनिया में एक यूनिफॉर्म उनका नाम होता है ना भाई। मुझे कोई मीनाक्षी कहता है तो कोई मीनू कहता है, कोई मीना कह देता है, लेकिन मेरा एक रियल नेम है ना। तो एक साइंटिफिक नेम जो है वो क्या होता है, वो साइंटिफिक नेम आपको बेसिकली हर जगह सेम होता है ना, उसका स्टैंडर्डाइज नेम हो जाता है।
तो वो आपको हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में बिटवीन द रिसर्चर्स, है ना। तो चलिए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। सो स्पीशीज, दीज आर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर एंड कैपेबल ऑफ इनब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। किन ऑर्गेनिज्म को आप एक स्पीशी में डालते हैं? जो सिमिलर दिखते हैं, और ना सिर्फ सिमिलर दिखते हैं, वो हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मेट कर सकते हैं और फर्टाइल प्रोजनी पैदा कर सकते हैं। ऐसे जो भी इंडिविजुअल होंगे आप उनको एक स्पीशी के अंतर्गत डाल सकते हैं। देन यू हैव सब स्पीशी। इट इज अ एग्रीगेट ऑफ फिनोटिपिकली सिमिलर पॉपुलेशन इन अ स्पीशी इनहैबिटिंग अ ज्योग्राफिकल सब डिविजन, है ना। सब स्पीशीज क्या है भाई? जैसे कि हम लोग ब्राउन लोग हैं, यूएस वाले गोरे लोग हैं, है ना, अफ्रीका वाले काले लोग हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में वो स्पीशी कन्फाइंड है, उनको हम एक सब स्पीशी काउंट कर लेते कि ये स्पीशी के नीचे सब स्पीशी है, ठीक है। चलो अब आता है जीनस। जीनस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्पीशी हैविंग सम डेफिनेट सिमिलरिटी कैरेक्टर्स एंड रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज जीनस। जीनस क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जिनके सेम कैरेक्टर्स हैं उनको हम एक जीनस में डाल देते हैं, ठीक है। ऐसी स्पीशीज जो आपस में मिलती जुलती हैं, कुछ कुछ सेम सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, उनको हम थोड़े एक बड़े ग्रुप में डाल देते हैं जिसे हम जीनस कहते हैं। उसी तरीके से डिफरेंट जो जीनस होती है जिनके सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनको हम एक फैमिली में डाल देते हैं कि ये एक ही परिवार के लोग हैं, ठीक है। और फैमिली के बाद क्या आता है? फैमिली के बाद आता है क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है फाइलम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हायरार्की सिस्टम चलता है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय एरिस्टोटल। सबसे पहले जो एनिमल क्लासिफिकेशन है वो एरिस्टोटल ने शुरू की थी। लेटर लिनस, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, है ना। फिर लिनस ने जो है प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। शुरू में जब क्लासिफाई किया गया था इंसेक्ट को तो इंसेक्ट के सिर्फ 7 ऑर्डर्स बने थे, 7 ऑर्डर्स बने थे। और वो 7 ऑर्डर्स कौन से थे? वो 7 ऑर्डर्स थे आपके कोलियोप्ट्रा, हेमिप्ट्रा, लेपिडोप्ट्रा, न्यूरोप्ट्रा, डिप्ट्रा, हिम्नोप्ट्रा और एट्रप्ट्रा। आई एम सॉरी। तो ये 7 ऑर्डर थे जो शुरू में आए थे विच वर रिलेटेड टू इंसेक्ट, है ना। कोलियोप्ट्रा, हेमिप्ट्रा, लेपिडोप्ट्रा, ये तो हमारे सबसे फेमस ऑर्डर्स हैं, बीटल्स, मोथ्स एंड बटरफ्लाइज एंड बग्स। बाकी आपके डिप्ट्रा, न्यूरोप्ट्रा, हिम्नोप्ट्रा एंड एपिटेरा, ये आपके 7 ऑर्डर्स थे। आज की तारीख में आपके पास 29 ऑर्डर्स हैं। आज की तारीख में आपके पास कितने ऑर्डर हैं? 29 टोटल ऑर्डर्स हैं विच बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा। तो अब इंसेक्ट जो हैं, इंसेक्ट्स फाइलम में आते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का जो लिटरेट मीनिंग होता है वो क्या होता है? जॉइंटेड लेग्स। बट आर्थ्रोपोडा में सिर्फ इंसेक्ट नहीं आते, हालांकि आर्थ्रोपोडा की 3/4 पॉपुलेशन, 3/4 पॉपुलेशन जो है वो इंसेक्ट्स की ही होती है, बाकी 1/4 में इसके और मेंबर्स आते हैं। मतलब इंसेक्ट का नंबर काफी ज्यादा है हमारी धरती पर। इसके भी अपने रीजन है जो हम कई सेशंस में कर चुके हैं, जैसे कि इनका फिकंडिटी रेट हाई होता है, एग लेइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इनके पास एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, है ना, और ये क्रिविसेस में कहीं भी छुप जाते हैं, इनके पास विंग्स होते हैं, कंपाउंड आईज होती है, और यही सारे बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से इनका जो चक्र है, लाइफ चक्र, वो बहुत जल्दी भी पूरा होता है। ये भी है, लाइफ जो है इनका शॉर्ट होता है, और ज्यादा प्रोजनी को ये जन्म देते हैं तो ऑफकोर्स इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। अब आर्थ्रोपोडा फाइलम की हम बात करें तो ये आपके सारे इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा ऑर्डर में आते हैं, बट ये इंसेक्ट्स नहीं काउंट होते एक्चुअली, ठीक है। हम वैसे इनको कीड़े मकोड़ों में ही काउंट कर देते हैं नॉर्मली, बट दे आर टेक्निकली नॉट इंसेक्ट्स। जो आपके क्रैब्स हैं, प्रॉन्स हैं, स्पाइडर्स हैं, है ना, ये कान खजूरा है, ये सब जो है ये आपके इंसेक्ट
से बिलोंग नहीं करते, ये दे डू नॉट बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा, ये आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं। आर्थ्रोपोड में आपके इंसेक्ट्स भी आते हैं और ये ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, ठीक है। इंसेक्ट के लिए एक सबसे जरूरी चीज क्या है कि उनकी 6 टांगे होनी चाहिए, 6 legs, इसीलिए इस क्लास का नाम इंसेक्टा से हटाकर हेक्सोपोडा आजकल बोला जाता है। हेक्सोपोडा का मतलब है 6 legs। तो फाइलम इंसेक्ट्स का क्या होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, बट ये इंसेक्ट्स में नहीं आते। हाँ, आर्थ्रोपोडा की 3/4 पॉपुलेशन, 3/4 पॉपुलेशन जो है इंसेक्ट्स की होती है। फिर आ जाती है क्लास हेक्सोपोडा, या फिर हेक्सोपोडा की जगह हम इसको नॉर्मली इंसेक्टा के नाम से जानते हैं। हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स लेग्स। जिन इंसेक्ट्स में 6 legs होती है, जैसे कि कान खजूरा है, कान खजूरा में बहुत सारी लेग्स होती हैं, सो इट डज नॉट बिलोंग टू इंसेक्ट ऑर्डर, है ना। स्पाइडर क्यों नहीं है इंसेक्ट में, क्योंकि स्पाइडर में सिर्फ 2 segments होती हैं, इंसेक्ट्स में 3 body segments होती हैं। तो इस तरीके से इनमें कोई ना कोई कैरेक्टर मिसिंग है, इसीलिए ये इंसेक्ट्स में काउंट नहीं होते हैं, राइट। बॉडी इज डिवाइडेड इन टू 3 segments, इंसेक्ट्स की जो बॉडी है वो 3 segments में डिवाइड होती है, 3 segments, और वो 3 segments कौन सी है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 3 segments में आपके इंसेक्ट की बॉडी जो है डिवाइड होती है। दे पोजेस 3 pairs ऑफ लेग्स, दूसरा कैरेक्टर यहां पर क्या है, इनके 6 legs प्रेजेंट होती है, 3 pairs मतलब टोटल 6 legs इनके पास प्रेजेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ 1 or 2 pair ऑफ विंग्स, अब इनके पास क्या होता है, 2 pair ऑफ विंग्स अक्सर पाए जाते हैं, 1 तो कहीं कहीं होता है ना, और चौथा क्या है, इनमें 1 pair ऑफ एंटीना भी पाया जाता है, ठीक है, इनमें 1 pair ऑफ एंटीना भी पाया जाता है। ये 4 चीजें जहां मिलती है वहां हम कहेंगे कि भाई ये इंसेक्ट क्लास से या हेक्सोपोडा क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। और इनमें भी अगर आपसे कहा जाए सिर्फ एक कैरेक्टर आपको चूज करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है 6 legs, क्योंकि इसका नाम ही हेक्सोपोडा है। बाकी इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ट्रैकिया के द्वारा होता है, हम भी रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा ही करते हैं, बट हमारी जो ये ट्रैकिया है ये यहाँ लंग्स में जाकर खत्म हो जाती है। इंसेक्ट्स के पास कोई लंग्स नहीं होते, इसकी पूरी बॉडी में जैसे पाइपलाइन सिस्टम होता है पूरे शहर में, है ना, उस तरीके से पूरी बॉडी में ट्रैकिया फैली हुई होती है जो डायरेक्टली वहां तक ऑक्सीजन सप्लाई करती है। जेनाइटल ओपनिंग सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड, इनके जो जेनाइटल ओपनिंग्स है वो पोस्टीरियर एंड की तरफ प्रेजेंट होती है। इनका जो एक्सोस्केलेटन है इट इज मेड अप ऑफ हार्ड क्यूटिकल, इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो क्यूटिकल का बना हुआ होता है, और ज्यादातर इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी कि इनमें मेटामोरफोसिस प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन ज्यादातर इनमें मालफीजियन ट्यूब्यूल्स की हेल्प से होता है, और इनमें सर्कुलेटरी ओपन टाइप सिस्टम होता है ना, सर्कुलेटरी ओपन टाइप सिस्टम होता है, यानी कि इसमें हमारी तरह वेन्स और आर्टरीज नहीं होती, जो हीमोसील होती है, बॉडी कैविटी होती है जहां बॉडी में खाली स्पेस होते हैं वहीं पर इसका ब्लड भरा हुआ होता है, ठीक है। तो इनमें पर्टिकुलर कोई वेन्स या आर्टरीज नहीं होती है, यानी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और क्या क्या होता है, इसका जो ब्लड होता है वो आपको क्रिमिश या ग्रीनिश कलर का मिलता है, इंसेक्ट का कलर कभी भी रेड कलर का, इंसेक्ट का जो ब्लड है वो रेड कलर का नहीं होता, क्रिमिश या ग्रीनिश कलर का होता है। और इसमें जो मुख्यतः शुगर पाई जाती है, मेजर शुगर इसमें ट्राइहैलोज पाई जाती है इसके ब्लड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें इंसेक्ट की याद रखनी है कि इंसेक्ट में क्या क्या देखने को मिलता है, राइट। तो ये इंसेक्ट के क्या है, ये इंसेक्ट के की फीचर्स हैं। ये फीचर्स अगर फॉलो नहीं हो रहे हैं इसका मतलब हम उस ऑर्गेनिज्म को इंसेक्ट में काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो ये हेक्सोपोडा क्लास है इसको 2 sub classes में बांटा गया है। वो 2 sub classes क्या है, वो 2 sub classes हैं आपकी एटेरिगोट्स एंड टेरिगोट्स, ठीक है, एटेरिगोट्स एंड टेरिगोट्स। एटेरिगोट्स का मतलब होता है, ए मतलब एब्सेंट, यानी कि इनमें जो विंग्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, है ना।
एटेरिगोट्स में विंग्स जो हैं एब्सेंट होते हैं, यानी कि ये विंगलेस होते हैं और इनको आप ट्रू इंसेक्ट्स में काउंट नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप स्कॉर्पियन देख रहे हैं, सिल्वर फिश देख रहे हैं, इनके पास विंग्स प्रेजेंट नहीं होते, तो ये एटेरिगोट्स में आते हैं. एटेरिगोट्स विंगलेस इंसेक्ट है, इसीलिए इनको एमेटाबोला भी कहा जाता है. अगेन, ए का मतलब है एब्सेंट, मेटाबोला यानी कि इनमें मेटामोरफोसिस एब्सेंट होता है. मेटामोरफोसिस एब्सेंट होता है का मतलब क्या है, बाद में कोई डेवलपमेंट नहीं होती, ये जैसा पैदा हुआ है अपने जीवन के आखिर तक, डेथ तक वो वैसा ही रहता है. जैसे हम लोग हैं, हम इसी तरीके के पैदा हुए थे, दो हाथ दो पांव, सबको यही फीचर्स थे, सिर्फ साइज इंक्रीज होता है. तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, जैसा पैदा हुए थे वैसा ही मर जाएंगे, राइट. लेकिन इंसेक्ट्स में ऐसा नहीं होता, बट एटेरिगोट्स में ऐसा होता है. एटेरिगोट्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ये इसी तरीके से इसी फॉर्म में जन्म लेते हैं, इसी फॉर्म में मर जाते हैं, कोई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती, यानी कि मेटामोरफोसिस कंप्लीटली एब्सेंट होता है. एग्जाम्पल्स यहां पर मैंने आपके लिखे हुए हैं एटेरिगोट्स के, क्या क्या एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल है प्रोट्यूरा, जिसको टेल्सन टेल कहा जाता है, डिप्ल्यूरा, जिनको डिप्ल्यूरांस कहा जाता है, कोलम्बोला, जिसमें स्प्रिंग टेल या स्नो फ्लाइज फ्लीज आते हैं, या थाइसेनोयूरा, जिसमें ब्रिसल टेल्स या सिल्वर फिश आते हैं. ठीक है, ये सारे के सारे इंडिविजुअल जो हैं, ये ट्रू इंसेक्ट नहीं कहलाते हैं. और क्यों नहीं कहलाते हैं, रीजन आपके सामने है, क्योंकि ये विंगलेस हैं, इनमें ए मेटामॉर्फोसिस है, कोई मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, तो ये कौन सी सब क्लास में आते हैं, ये आपके एटेरिगोट्स सब क्लास में आते हैं. ठीक है, इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस यहाँ नहीं आएगा आकाश, यहाँ मेटामोरफोसिस प्रेजेंट ही नहीं है, है ना. इनकम्प्लीट तो वहां होगा जहां थोड़ा बहुत प्रेजेंट होगा, दिस इज कंप्लीटली एब्सेंट हियर. सेकेंड जो आते हैं वो आते हैं आपके टेरिगोट्स, सब क्लास टेरिगोट्स. टेरिगोट्स का मतलब है, देखो पी से शुरू हो रहा है ना, पी मतलब प्रेजेंट, तो टेरिगोट्स में विंग्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये या तो प्रेजेंट होंगे या फिर सेकेंडरीली विंगलेस होंगे. सेकेंडरीली विंगलेस, इसका क्या मतलब होता है सेकेंडरीली विंगलेस? तो या तो विंग्स प्रेजेंट हैं, या तो विंग प्रेजेंट नहीं है, तो उन्हें सेकेंडरीली विंगलेस कहते हैं. सेकेंडरीली विंगलेस मतलब जिनके पूर्वजों के पास विंग्स हुआ करते थे, बट प्रोबेबली उन्होंने सही से यूज नहीं किया, तो इनकी आज जो जनरेशन है उनके पास विंग्स प्रेजेंट नहीं है. जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमें कहा जाता है कि हम मंकीज से आए हैं, तो हमारे पास अभी भी टेल बोन होती है. कहा जाता है कि टेल बोन पहले लंबी होती थी, टाइम के साथ ह्यूमंस में इसका कोई यूज नहीं था, वो छोटी होती चली गई, लेकिन अभी भी छोटी सी टेल बोन हमारे स्केलेटन में प्रेजेंट होती है ना. तो इसी तरीके से इनमें जो है ये सेकेंडरीली विंग है, यानी कि इनमें पहले विंग्स प्रेजेंट थे, इनके पूर्वजों में विंग्स प्रेजेंट थे, बट इनमें विंग्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी आपके टेरिगोट्स में आते हैं. ठीक है, यानी कि या तो विंग्ड इंसेक्ट है जिनके पास विंग्स प्रेजेंट है, या सेकेंडरीली विंगलेस इंसेक्ट, ये दोनों टाइप के जो आपके इंसेक्ट हैं ये टेरिगोट्स में काउंट होते हैं. टेरिगोट्स अगेन दो भागों में बढ़ते हैं, और वो है एक्सोटेरिगोट्स एंड एंडोटेरिगोट्स. एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, आउटसाइड, है ना, जिनकी विंग डेवलपमेंट बाहर होती है. विंग डेवलपमेंट इज आउटसाइड, है ना, जिनकी विंग डेवलपमेंट बाहर होती है, आउटसाइड होती है, उन्हें एक्सोटेरिगोट्स कहा जाता है. वहीं एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि जिनकी विंग डेवलपमेंट इनसाइड होती है उन्हें एंडोटेरिगोट्स कहा जाता है. अब ये इनसाइड और आउटसाइड क्या है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि एक्सोटेरिगोट्स में प्यूपल स्टेज जो है एब्सेंट होती है, प्यूपल स्टेज एब्सेंट होती है. अब आपको पता है एग आता है, एग जब हैच होता है उससे लार्वा बाहर निकलता है, लार्वा जब बड़ा हो जाता है तो वो प्यूपल स्टेज में जाता है, अपने चारों तरफ एक घर बना लेता है, एक प्यूपल कोकून बना लेता है या किसी और तरीके की लेयर बना लेता है, और उसके अंदर ये रहता है, उसके अंदर इसकी पूरी डेवलपमेंट होती है, और जब ये प्यूपा से बाहर निकलता है तो ये एडल्ट बन के बाहर निकलता है. तो इसके जो डेवलपमेंट है वो अंदर हुई है ना, प्यूपा के अंदर हुई है, यानी कि प्यूपल स्टेज जहां प्रेजेंट होती है,
जहाँ प्यूपल स्टेज प्रेजेंट होती है उन्हें एंडोटेरिगोट्स कहते हैं, क्योंकि प्यूपा के अंदर डेवलपमेंट हुई है. प्यूपा है ही नहीं, यानी कि बाहरी डेवलपमेंट है, तो उसे एक्सोटेरिगोट्स कहते हैं. ठीक है, तो एक्सोटेरिगोट्स में प्यूपल स्टेज एब्सेंट होती है, एंडोटेरिगोट्स में प्यूपल स्टेज प्रेजेंट होती है. अब आपका ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस आएगा, यानी कि एक्सो में प्यूपल स्टेज क्योंकि एब्सेंट है तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, यानी कि मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट तो है ना, मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट तो है लेकिन इनकम्प्लीट है क्योंकि उसमें प्यूपल स्टेज एब्सेंट है, एक स्टेज गायब है. वहीं एंडोटेरिगोट्स को अब हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में काउंट करते हैं. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्यों है, क्योंकि इसमें चारों स्टेज प्रेजेंट है, एग, लार्वे, प्यूपा, एडल्ट. ठीक है, तो ये जो है आपके सारे स्टेजेस प्रेजेंट हैं, तो इनको हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. ठीक है, अब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का एक नाम हमने दिया है, वो है हेमी मेटाबोला. हेमी मीन्स हाफ, है ना, इनकम्प्लीट, हेमी मेटाबोला. वही जो आपके कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शुरू करते हैं उनका नाम हो जाता है होलो मेटाबोला. ठीक है, जहां आपको विंगलेस इंसेक्ट में दिख रहा था ना ए मेटाबोला, तो यहां पर दिखेगा होलो और हेमी मेटाबोला. होलो मीन्स कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और हेमी मीन्स इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोटेरिगोट्स. एक्सोटेरिगोट्स का आपका एग्जाम्पल है ओडोंटा, जो आपका ऑर्डर है, दीज आर ऑर्डर्स नाउ, है ना, ओडोंटा ऑर्डर. ओडोंटा ऑर्डर में आपके ड्रैगन फ्लाई एंड डेम्सन फ्लाई आती हैं, प्लिकॉप्ट्रा जिसमें आपकी स्टोन फ्लाईज आती हैं, डिक्टियोप्ट्रा या इसको हम ब्लेटोडिया लिखेंगे अब, ब्लेटोडिया. ठीक है, ब्लेटोडिया में आपका कॉकरोच आता है, ग्राइलो ब्लेटोडिया में ग्राइलो ब्लेटेड्स आते हैं, ऑर्थोप्ट्रा में ग्रास होपर्स या लोकस्ट आते हैं. ठीक है, इन सभी में प्यूपल स्टेज एब्सेंट होती है, इन सभी में प्यूपल स्टेज एब्सेंट होती है. ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, डेम्सन फ्लाईज में भी, स्टोन फ्लाईज में भी, कॉकरोच, मैंटिड्स, ग्रास होपर्स, लोकस्ट, इसीलिए इन सभी में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है या एक्सोटेरिगोट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो विंग डेवलपमेंट है वो बाहर होती है, प्यूपा के अंदर नहीं होती है. ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, एक्सोटेरिगोट्स के एग्जाम्पल हैं. राइट, तो ये आगे चलते हैं हम एंडोटेरिगोट्स. एंडोटेरिगोट्स जिसमें विंग्स अंदर डेवलप हुए हैं. ठीक है, अंदर डेवलप हुए हैं, जैसे मेकोप्ट्रा है, इसमें आपकी स्कॉर्पियन फ्लाईज आ जाती हैं. दिस इज योर स्कॉर्पियन फ्लाई, स्कॉर्पियो जैसा पीछे इसकी पूछ होती है बट विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसको स्कॉर्पियन फ्लाई कहते हैं. ट्राइकोप्ट्रा जिसमें कैंडिस फ्लाई आ जाती है, लेपिडोप्ट्रा जिसमें मोथ और बटरफ्लाई आ जाते हैं, डिप्ट्रा जिसमें फ्लाईज एंड मॉस्किटो आ जाते हैं, सिफेनोप्ट्रा जिसमें फ्लीज आती हैं, हाइमेनोप्ट्रा जिसमें आंट्स, बीज एंड वास्प आते हैं, या कुलियोप्ट्रा जिसमें बीटल्स एंड वीवल्स आते हैं. इन सभी में प्यूपल स्टेज प्रेजेंट होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, इसलिए इसको एंडोटेरिगोट्स या होलो मेटाबोला कहा जाता है, क्योंकि इनमें प्यूपल स्टेज प्रेजेंट है तो इनमें जो विंग्स डेवलप होते हैं वो इनसाइड द प्यूपल स्टेज डेवलप होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ये ऑर्डर लेवल तक आपको याद होने चाहिए, इवन मास्टर्स के लिए फैमिलीज भी इंपॉर्टेंट हैं. अगर मैं बात करूं तो अगर IBPS AFO या NABARD या किसी इस तरीके के एग्जाम की, तो वहां पर यह है कि आपको ऑर्डर्स तक काम चल जाता है. अगर एक दो क्वेश्चन पूछेंगे तो या तो सिंपल बेसिक मॉर्फोलॉजी से पूछेंगे या ऑर्डर्स तक पूछेंगे, है ना. लेकिन आप क्योंकि मास्टर्स करने जा रहे हैं, आपसे फैमिलीज तक भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऑर्डर्स तक तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ऑर्डर्स तो आपको याद करने ही करने हैं कि किस ऑर्डर में कौन से इंसेक्ट्स आते हैं. ठीक है, जैसे यहां पर आपके ऑर्डर और उनके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं. ऑर्डर्स तक आपकी क्लासिफिकेशन इसमें कंप्लीट है, और इतने क्लासिफिकेशन सबको रिवाइज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आना है. राइट, दिस इज योर MSc एग्रीकल्चर बैच. ये आपका MSc एग्रीकल्चर बैच है, फाउंडेशन बैच.
आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप मास्टर्स किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं या किसी ऑल इंडिया एग्जाम के द्वारा करना चाहते हैं, राइट। इसकी जो फीस है वो अभी नॉर्मली आपको 3679 के आसपास मिलेगी, बट आज 80% ऑफ पर इसकी फीस है 3199। वहीं आपका ये जो दूसरा आपको बैच दिख रहा है, ये सिर्फ प्लांट साइंस स्टूडेंट के लिए है जो JRF प्लांट साइंस एग्जाम देना चाहते हैं। इसके फीस है 2799। हालांकि इसके बाद जब ये 80% ऑफ हो जाएगा कल परसों में, तो इसकी फीस जो है 3220 हो जाएगी, ठीक है। तो 80% ऑफ का फायदा उठाएं अगर आपको एनरोल करना ही है, सो एनरोल इट टूडे। यू कैन यूज द कोड Y448A टू एनरोल इन योर बैचेस, ठीक है। एंड क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड यहां पर चलते हैं हम डिस्कार्ड एंड किस तरीके से इनमें एनरोल करना है। तो आप एप्लीकेशन के द्वारा भी एनरोल कर सकते हैं और वेबसाइट के द्वारा भी कर सकते हैं। गो फॉर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन से आपको और 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द कॉइन्स विच यू गेट इन एप्लीकेशन। करना क्या है, ऑल कोर्सेज में जाइए, एग्रीकल्चर सेक्शन को चूज कीजिए। एग्रीकल्चर सेक्शन को चूज करके एमएससी एंट्रेंस को चूज कीजिए, ठीक है। ये आपका एमएससी एंट्रेंस का फाउंडेशन बैच है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सारी डिटेल यहाँ साइड में गिवन है, आप पढ़ सकते हैं और सही लगे तो बाय नाउ पर क्लिक कीजिए। ये नई विंडो आएगी, ये नई विंडो में यहाँ पर डालिए आप अपना कूपन कोड Y448A और अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही Y448A अप्लाई करेंगे यू विल गेट 80% डिस्काउंट। पेड क्लासेस जो हैं बच्चे आपकी ये शुरू हो चुकी हैं 14 फरवरी से, है ना, और चलेंगी जब तक आपका सिलेबस चलेगा, यानी कि अगले 2-3 महीने तक आपकी क्लासेस चलेंगी। बाकी विजिबल आपको ये 1 साल के लिए रहेंगी, 1 साल तक आप इनमें कुछ भी वापस पढ़ सकते हैं, ठीक है। FCI जूलॉजी आई थिंक वर्षा मैम ले रही है, यार मुझे कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आज हो रही है या नहीं हो रही है, बट प्रोबेबली हो रही होगी, ठीक है। और एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करना, अगर आप मल्टीपल एग्रीकल्चर एग्जाम देते रहते हैं तो एग्रीकल्चर महापैक पर 80% के साथ साथ डबल वैलिडिटी भी है, है ना। तो यहां से आप अपना टाइम पीरियड चूज कर सकते हैं, 12+12 मंथ्स या फिर 6+6 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स, है ना। तो बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, नई विंडो आएगी, इसमें टाइप करेंगे Y448A एंड अप्लाई कर देंगे। सो अगेन Y448A पर आपको मिलेगा 80% डिस्काउंट ऑन योर महापैक 6399 में। अगर 1 साल की फीस हम देखें सो 3200 में, जहां पर आप सिर्फ एक IBPS AFO या फिर आप किसी भी एक बैच में एडमिशन ले पाते हैं, वहीं 3200 में आपको सारे बैचेस की इसमें लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट बुक एंड टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी मिल रही हैं पूरे 1 साल के लिए, है ना। सो घाटे का सौदा तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। यू कैन एनरोल यूजिंग द कोड Y448A, है ना। ऐसे नहीं कहते रूपा वर्मा, पिटाई करवा दोगे तुम मेरी। अभिषेक, ये जो आपका फाउंडेशन कोर्स है इसमें रोज ना आपकी सिर्फ 1 या 2 क्लासेस ही लगेंगी, क्योंकि जब बच्चे 4 या 5 क्लासेस हम एक दिन में लगाते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग क्लासेस तो लगा लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन सेल्फ स्टडीज नहीं कर पाते हैं। तो आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर पाएं, सेल्फ स्टडीज कर पाएं, तो इसके लिए ये जरूरी है, ठीक है। हाँ, अभी सिर्फ इसमें आकाश सर की ही क्लास हो रही है। आई गेस इसमें संदीप सर की भी शुरू होनी थी, बट ही इज राइट नाउ ऑन द लीव, तो वो आकर उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय गाइस, थैंक यू सो मच, एंड खूब अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से ढेर सारी प्रिपरेशन कीजिए। हमारा सारा आशीर्वाद आपके साथ है। गुड बाय एंड टेक केयर।